नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। चंद हफ्ते बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कुछ ही दिनों में हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुटी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र में अपनी सरकार बनने पर गरीबों को न्यूनतम आय की गारंटी देने का ऐलान किया है। ऐसी चर्चा थी कि मोदी सरकार 1 फरवरी को बजट में सबके लिए, केवल गरीबों के लिए नहीं, सबके लिए न्यूनतम आय की योजना घोषित कर सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने उससे पहले ही न्यूनतम आय की गारंटी देने का ऐलान करके मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी का ये दांव मोदी शाह की रणनीति पर भारी पड़ रहा है? इस सवाल पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश सिंह, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पार्टी के प्रवक्ता हैं मोहम्मद अली खान, और हमारे साथ जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार मौजूद हैं, और हमारे साथ हैं स्वराज एक्सप्रेस के सीईओ और एडिटर इन चीफ गुरदीप सिंह सप्पल। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं। हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं खेलेंगे। और हम राजनीति जनता के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं, और जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में एंट्री का ऐलान करते वक्त राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलने की बात कही थी। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि चंद रोज बाद ही राहुल गांधी राजनीतिक बिसात पर एक और पासा पलटने वाला दांव चलने जा रहे हैं। 28 जनवरी यानी सोमवार को छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की चुनावी रणनीति के आगे नई चुनौती खड़ी कर दी है। राहुल गांधी ने नया रायपुर में ऐलान किया कि 2019 में कांग्रेस सत्ता में आई तो देश के सभी गरीबों के लिए न्यूनतम आमदनी की गारंटी का इंतजाम किया जाएगा। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। इस ऐलान के साथ ही राहुल गांधी ने एक हफ्ते में दूसरी बार मोदी और शाह की जोड़ी को चुनावी रणनीति में पीछे छोड़ दिया। दरअसल 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। 1 फरवरी को मोदी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। बजट से पहले ये चर्चा हो रही थी कि सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम गारंटी स्कीम यानी देश के सभी लोगों को न्यूनतम आय की गारंटी देने वाली योजना ला सकती है। माना जा रहा था कि ये योजना चुनाव से ठीक पहले वोटरों को रिझाने के लिए मोदी सरकार की बड़ी चाल हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने गरीबों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी देने का ऐलान करके पीएम मोदी और उनके राजनीतिक प्रबंधकों को पीछे छोड़ दिया। राहुल के इस ऐलान का दूसरी विपक्षी पार्टियां खुले दिल से स्वागत कर रही हैं। वो पूरे यूरोप में जो एक आमदनी जो है, जो जीवन चलाने के लिए वो लोगों को मिलती है, और यदि यहाँ हो जाता है इससे बढ़िया कोई बात हो सकती है क्या? राहुल गांधी किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर मोदी सरकार को पहले ही घेर चुके हैं। 3 राज्यों में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करके कांग्रेस मोदी सरकार पर दबाव बना चुकी है। युवाओं की नौकरी का मुद्दा भी राहुल प्रमुखता से उठा रहे हैं। ऐसे में न्यूनतम आय गारंटी का ऐलान करके राहुल ने बीजेपी की राह और मुश्किल कर दी है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता दावा तो यही कर रहे हैं कि राहुल का ये ऐलान उनके लिए कोई खास मायने नहीं रखता है। सरकार 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। नौजवानों के लिए काम किया है, हम ही करेंगे, कोई और नहीं कर सकता। कांग्रेस 60 साल रहकर तो कुछ नहीं कर पाई, अब क्या हसीन ख्वाब दिखा रहे हैं राहुल गांधी। पहले राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री और अब न्यूनतम आय गारंटी का वादा, राहुल ने बीजेपी और मोदी सरकार को फिर पीछे धकेल दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी घिर गई है? सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी के दांव बीजेपी की चुनावी रणनीति पर लगातार भारी पड़ रहे हैं,
और बड़ा सवाल ये कि क्या 2019 में राहुल के नेतृत्व वाली कांग्रेस से जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। प्रोफेसर अरुण कुमार, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए कि राहुल गांधी की जो मिनिमम गारंटी इनकम योजना है, न्यूनतम आय योजना, इसमें और यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो सबके लिए न्यूनतम आय योजना कह रहे हैं सरकार लाएगी, इन दोनों में क्या अंतर है? जी हाँ, देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब है कि वो सबको मिलेगा, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे अंबानी हो, चाहे जो सड़क पे सोता हो, सबको जो पैसा मिलेगा एक मिनिमम अमाउंट। और इसकी जो कल्पना है वो आपने देखा, दो साल पहले इकोनॉमिक सर्वे में आई थी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम होना चाहिए। और वजह यह है कि सारी दुनिया में अर्थव्यवस्था क्राइसिस में जा रही है, वहाँ पर असमानता बहुत बढ़ती चली जा रही है, और जो खाई है वो जब जैसे जैसे बढ़ रही है, डिमांड की कमी हो रही है, और डिमांड की कमी से ग्रोथ में परेशानी आ रही है। तो स्विट्जरलैंड में आपने देखा कि अभी रेफरेंडम हुआ था एक साल पहले, जो बड़ा नैरोली हार गए थे, और फिर फिनलैंड में तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्टार्ट कर दिया गया है। और जो ये अभी स्कीम राहुल गांधी बता रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि जो गरीबी की रेखा से नीचे वाले हैं, आप उनको गरीबी की रेखा तक लाएं, इसके बारे में चर्चा होगी। तो ये जो स्कीम है ये सिर्फ गरीबों के लिए है जो राहुल गांधी ने बताया है। तो इसमें भी कई वेरिएंट्स हो सकते हैं, कि एक वेरिएंट हो सकता है कि आप ये देखेंगे किसकी आमदनी गरीबी की रेखा से कितनी कम है और उतना उसको पैसा दें, या दूसरा हो सकता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो सभी गरीबों के लिए, तो मतलब सबको 5,000 या 10,000 रुपए मिले, तो उससे हो सकता है कि फिर कुछ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर चले जाएं, कुछ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहें। लेकिन इसमें थोड़ी मुश्किल आएगी कि आप लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब बात उसके बारे में बात करते हैं, ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी बात करते हैं थोड़ा गहराई। हाँ, उसके बारे में अभी बात करेंगे। गुरदीप, आप बताइए, ये न्यूनतम आय योजना जो राहुल गांधी ने अनाउंस की है, इसके पीछे उनकी सोच क्या है, और क्या कारण है कि बजट से खाली 3-4 दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया? क्या वो चाहते हैं कि सरकार अगर कोई ऐसी योजना लाए तो कांग्रेस कह पाए ये तो हमारी योजना थी, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये लाना चाहिए? न्यूनतम गारंटी योजना जो है वो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी की योजना है, और देश में काफ़ी समय से लोग ये कहते आए हैं कि सोशल सिक्योरिटी और होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके अलग अलग तरीके ढूंढे जाते रहे हैं। राहुल गांधी एक बात जानते हैं कि 2004 में जो एजेंडा कांग्रेस पार्टी ने देश के सामने रखा था, जिसमें RTI था, जिसमें नरेगा था, उसकी लाइफ खत्म हो गई है। कैलिफोर्निया में उन्होंने ये बात कही थी कि हर 10 साल में एक नया एजेंडा लाने की ज़रूरत है, और नए एजेंडा के लिए नए आइडियाज़ को देश के सामने रखना चाह रहे हैं। और ये बजट से ज़्यादा चुनाव से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि चुनाव आने जा रहे हैं और बजट में लगातार UBI की बात हो रही थी, तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक कदम पहले चल के वायदा ज़रूर किया है। लेकिन ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखने का, और जो एक साल से वो बात कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी को एक नया एजेंडा देने की ज़रूरत है, और उस एजेंडे में ये पहला कदम शायद उन्होंने लिया है, एक वायदा किया है। ठीक, स्वदेश जी, कांग्रेस पार्टी ने तो न्यूनतम आय योजना घोषित कर दी है, हो सकता है बजट में वित्त मंत्री यूनिवर्सल बेसिक इनकम लेके आ जाए। ये बजट 1 अप्रैल से लागू होगा, तो 1 अप्रैल से तो लोगों के अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, किसी के अकाउंट में 2,500 रुपये आएगा या 3,000 रुपये आएगा, जितना भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगी, और उसके चंद दिनों में वो वोट देने जाएंगे। तो कांग्रेस का एजेंडा तो लगेगा लोगों को सपना है, लेकिन हो सकता है कि उन्हें लगे मोदी जी ने तो करके दिखा दिया, पैसे दे दिए, तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि कांग्रेस को फ़ायदा होगा? देखिए क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है, प्राइम मिनिस्टर मोदी दाएं हाथ से जो करते हैं वो बाएं हाथ को भी पता नहीं होता है। हमने तमाम समय देखा है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, या आज ही आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने अर्जी दाखिल की है जो कि मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। तो इसलिए 1 फरवरी को क्या होने जा रहा है, यूनिवर्सल बेसिक स्कीम आ रही है कि नहीं आ रही, जैसा कि आप प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि 2016 के इकोनॉमिक सर्वे में आया था और अब तक हमने उसको धरातल पर उतरते देखा नहीं है। तो इसलिए अंधी में तीर चलाने जैसे वाली बात होगी जो राहुल जी ने कहा। उन्होंने कहा हमने निर्णय ले लिया है, हमने माने कांग्रेस पार्टी में कोई बैठक हुई, क्या निर्णय कहाँ पर हुआ, या फिर उसमें गरीब की परिभाषा क्या होगी, हम कैसे लाएंगे,
क्या करेंगे आने वाले समय में। कांग्रेस के पी चिदम्बरम जी ने कहा भी है कि मैनिफेस्टो में उस बात को लाएंगे, तो अभी उस पर तस्वीर और साफ होगी कि कैसे वो उस सारी चीज़ों को लाएंगे, लेकिन उसको एक तारीख से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि आपको पर्टिकुलरली बताना पड़ेगा, क्योंकि 97 करोड़ लोग हैं इस देश में, अगर सिर्फ गरीब गरीब की बात की जाएगी या अगर BPL की बात की जाएगी बिलो पॉवर्टी लाइन की, तो 26% जाता है, वो भी 35-36 करोड़ लोग बैठता है, तो इतना बड़ा आंकड़ा है, उसको आप कितना पैसा किस माध्यम से देंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन होंगे। सवाल तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में भी कहा जा सकता है ना, क्योंकि गरीबों को देंगे तो कम लोगों को देंगे, सबको देंगे तो बहुत ज्यादा लोगों को देंगे, तो जो जो सवाल आपने कांग्रेस के लिए उठाए हैं वही सवाल बीजेपी के लिए भी उठाए जा सकते हैं। एक तारीख को बजट में क्या होगा वो अभी हम साफ तौर से कह नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ मान लीजिए, मैंने तो आपको कहा ना कि मान लीजिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम उस दिन आती है, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप 1 अप्रैल से लोगों के अकाउंट में पैसा डालना शुरू कर देंगे शायद आपकी पार्टी को फायदा होगा, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं। मैं मोहम्मद अली खान साहब के पास जाता हूं, वो फोन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली खान साहब, ये बताइए ये योजना उन योजनाओं से कितनी भिन्न है जहाँ पे कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता दे देंगे या किसानों को प्रति एकड़ फसल से पहले 4,000 रुपये दे देंगे, जैसा रायतु बंधु योजना है, उनसे ये कितनी अलग है? ये उन योजनाओं का अगला कदम है। अगर आप गौर फरमाएं, सबसे पहले तो हमारे देश के जो गरीब नौजवान हैं उन्हें सशक्त करने के लिए हम योजनाएं लाए, जैसे कि इंजीनियरिंग थी जिसमें 100 दिन की काम काज की गारंटी दी गई थी। उसके बाद हम लाए खाद्य सुरक्षा कानून जिसमें यह था कि गेहूं चावल और जो मिलेट्स होते हैं वो 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये प्रति केजी में मिले हर परिवार को, और अब ये तीसरा कदम है। और इन पहले दो कदमों की कामयाबी के बाद, क्योंकि उस समय भी लोग कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, आपने इतना भी जुमला दिया है, जब हम मनरेगा लाए थे या जब हम 1 लाख करोड़ का लोन वेवर लेके आए थे 2008-09 में, तो तब भी लोग कहते थे। मगर जहाँ पे इच्छा शक्ति होती है राजनीतिक, जहाँ पे नेताओं ने तय कर लिया है कि इसी चीज को प्राथमिकता देनी है, तो फिर वो काम का रास्ता निकालते हैं। आने वाले दिन में आप देखेंगे चिदम्बरम साहब को जिम्मेदारी दी गई है, वो इसका पूरा रोड मैप बना के जनता के सामने पेश करेंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद गुरुदीप। आप बताइए, चाहे वो न्यूनतम आय योजना हो गरीबों के लिए या सबके लिए, जब ये योजनाएं आ जाएंगी तो क्या जो एग्जिस्टिंग जो प्लान है वो जो सब्सिडी जाती है गरीबों को, पेंशन जाती है बूढ़ों को, विधवाओं को, वो सब बंद हो जाएगा क्या? अभी तो यही माना जा रहा है कि जो सब्सिडी है, जो फूड फर्टिलाइजर मिड डे मील पर 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी अभी देश में दी गई थी लास्ट ईयर, और कुल सब्सिडी का बजट 4.5 लाख करोड़ से ऊपर था, तो उस सब्सिडी को हटाकर आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात करें, ये मोदी गवर्नमेंट ने कुछ एक पायलट एक्सरसाइज की भी थी, रांची में की थी नगरी ब्लॉक के अंदर, जहां कहा गया कि भाई 1 रुपये किलो आपको चावल मिलता है, अब आप 32 रुपये किलो लीजिए और 31 रुपये आपके खाते में आएंगे। तो इसके कुछ कुछ पायलट्स हुए, कहीं पे लोगों ने समर्थन किया, कहीं पे लोगों को लगा कि पैसे जो खाते में आते हैं खर्च हो जाते हैं और जहां लगना है वहां नहीं लगते हैं, लेकिन अभी रोड मैप राहुल गांधी ने भी सामने नहीं रखा है, और जब तक वो रोड मैप पूरा नहीं रखा जाएगा तब तक ये मानना बड़ा मुश्किल है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा। प्रोफेसर अरुण कुमार, यही सवाल मैं थोड़ा घुमा के आपसे पूछता हूँ कि जैसे महात्मा गांधी नरेगा योजना है जी, क्या वो बंद हो जाएगी? उज्ज्वला योजना है, क्या उसको बंद कर देंगे? क्या आप कहेंगे कि अब हम आपको दे रहे हैं न्यूनतम आय और अब आप बिल्कुल बाजार के हवाले हो? नहीं, मेरा मानना है कि जो गरीबों की सब्सिडी है जी, उस सब्सिडी के बावजूद लोग गरीब हैं जी, तो आप गरीबों की सब्सिडी नहीं बंद कर पाएंगे, क्योंकि नहीं तो वो फिर आपने एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से दिया तो वो वही के वही रह जाएंगे जी। तो मिनिमम जो इनकम गारंटी स्कीम है उसके साथ जो गरीबों की सब्सिडी है वो चलती रहनी पड़ेगी जी, वो चाहे मनरेगा हो चाहे वो उज्ज्वला हो वगैरह, लेकिन जो मिडिल क्लास को सब्सिडी मिलती है, जो बिजनेस को सब्सिडी मिलती है, वो आप हटा सकते हैं। जैसे कि जो बेटर ऑफ सेक्शंस हैं उनके लिए जो टैक्स एक्सपेंडिचर है, जो एक्साइज ड्यूटी में कंसेशन है, कस्टम्स में कंसेशन है, जो इनकम टैक्स में और कॉर्पोरेशन टैक्स में है, वहां पे 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है, वो आप हटा सकते हैं। और अगर आपको फाइनेंस और चाहिए तो आप देखें वेल्थ टैक्स लगा सकते हैं, आप स्टेट ड्यूटी लगा सकते हैं, आप जो इनकम टैक्स पे सेस लगा सकते हैं, जिस तरह की एजुकेशन सेस होता है, तो आप एक पॉवर्टी सेस भी लगा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप ये देखें कि जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाला आइडिया था कि 5,000 रुपये या 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति आपको देना है, तो आपको कितना चाहिए, उस समय अनुमान लगाया गया था कि करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए के करीब चाहिएगा,
लेकिन अगर आप 25% को देंगे तो 1/4 उसका चाहिए, और उतना पैसा निकालना हमारे फिस्कल स्पेस में है इस समय, तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी, पर हाँ इच्छा शक्ति चाहिए, पॉलिटिकल विल होगी तो आप रिसोर्सेज रेज कर लेंगे। जैसे कि राइट फॉर राइट टू फूड के लिए भी कहा गया था कि पैसा नहीं है, पर उतना पैसा निकाल लिया गया था सिस्टम से। जी बहुत धन्यवाद, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ये चर्चा ब्रेक के बाद जारी रहेगी। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। देश का पहला न्यूज चैनल जो बुलंद करता है किसानों की आवाज, उनके मुद्दे, उनकी फरियाद। धान उपजा कर रखे हुए हैं, लेने वाला नहीं है, किसान तो कर्जे में जा रहा है। खबरें ग्रामीण इलाकों की, मंडी, खेत, खलिहानों की। हम सब किसके बच्चे हैं? किसान के। शहरों में गाँव से आई आबादी की। सब बेरोजगार हैं। बातें सरकारी दावों की, पड़ताल कुछ आंकड़ों की। हमारे यहाँ केवल 20 दवाइयाँ हैं और पूरी तरह से ये योजना प्रधानमंत्री जी की फेल है। अपने किसानों से जुड़ी हर बात। ये रेड एल्पिनो है, इसकी विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड होती है। देखिए मेरे साथ रोजाना शाम 6 बजे किसान बुलेटिन में। इस चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। स्वदेशी में आपके पास आता हूँ। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हमें नहीं सोचना चाहिए कि पहले फरवरी को क्या होना चाहिए, लेकिन पूरा देश तो यही सोच रहा है कि क्या होगा बजट में। मान लीजिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम आ जाती है, तो ये इन्होंने कहा जैसे प्रोफेसर अरुण कुमार ने पहले कि वो अंबानी को भी मिलेगी और गरीब को भी मिलेगी, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं कि आप सोचते हैं कि वो भी थोड़ा टारगेटेड होगी? और अगर होगी तो कौन उसका बेनिफिशियरी होगा, किसको वो इनकम मिलनी चाहिए, कैसे डिसाइड होगा और कौन सी गरीबी रेखा का उपयोग करेंगे आप, तेंदुलकर वाली या उसके बाद रंगराजन वाली, कि भाई अगर गांव में आप 32 रुपये दिन के खर्च कर रहे हैं तो आप अमीर हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, शहर में 47 रुपये प्रतिदिन कर रहे हैं तो आपको सहायता की आवश्यकता नहीं। कैसे डिसाइड करेंगे किसको देना है, कैसे करना चाहिए, आपका क्या विचार है? नहीं देखिए, उन्होंने जो अपनी बात के अंत में उन्होंने कहा एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर टोटल खर्चा देखेंगे तो करीब 5.5 लाख करोड़ बैठता है, लेकिन अगर 25% तो जो पिरामिड में सबसे नीचे तबके पे है, जहाँ पे हमारा बेस है, जो 26% की पॉपुलेशन हम गरीबी रेखा के नीचे देखते हैं, 34-35 करोड़ लोग, वो उनके तक हमारी योजनाएं कैसे पहुँचें इसकी हमें चिंता करनी होगी। और इस तरह की स्कीम से बड़ी जो चीज़ होती है सर कि लीकेज कहीं नहीं होने पाए, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया भेजता हूँ और 85 पैसा नहीं पहुँच पाता है, तो अभी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, आपने देखा होगा कि सरकार आने के बाद जो सबसे पहली स्कीम चालू हुई थी वो जनधन स्कीम थी 2 अगस्त को, और उसके बाद से आप देखेंगे आज 33 करोड़ अकाउंट करीब करीब खुल चुके हैं। तो उस 33 करोड़ अकाउंट के माध्यम से जब आज सबके पास, गरीब से गरीब आदमी के पास भी जब आज अकाउंट में पैसा है, और जो जैम ट्रिनिटी की बात नहीं समझे, मैं समझ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, किसको देना है, इसीलिए मैंने कहा कि जब उसको, यही मैं आपको बता रहा हूँ, जब जनधन को आधार और मोबाइल से जोड़ के जैम ट्रिनिटी करके प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये पूरी एक स्कीम चालू की, और आज जब अकाउंट खुल गए तो हमें बिल्कुल उसको, हम उसको इसको टारगेट कर सकते हैं कि रियल बेनिफिशियरी कौन होगा। बिल्कुल जो बेस पे सबसे निचले तबके पे आदमी है, जो पिरामिड पे सबसे निचले तबके पे है, जिसके पास 32 रुपए जो आपने कहा वो भी अगर वो नहीं कमा पा रहा है, एक गांव की दलित महिला है, अनपढ़ महिला है, जो जाके ब्लॉक पे साइन नहीं कर सकती है, उस तरह को अगर इसका लाभ पहुंचेगा तो बहुत लाभप्रद होगा। और इस तरह से हमें थोड़ा सा उस सेक्शन पे ध्यान देके काम करना पड़ेगा, ना कि ऐसे अनाउंस कर देना पड़ेगा कि हम सबको मिनिमम गारंटी देंगे इनकम। ये पीयूष गोयल आपकी बात सुन रहे होंगे और वो आपकी बात पे अमल करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। मोहम्मद, मैं आपके पास आता हूँ, आप ये बताइए कि न्यूनतम ये आय योजना जो है इसके लिए पैसा आएगा कहाँ से? मुझे याद है जब 2005 में मनरेगा की कल्पना हुई थी तो यही सवाल बार बार पूछा जाता था, पैसा आएगा कहाँ से, पैसे का इंतजाम हो गया। मैं नहीं कह रहा हूँ पैसा नहीं मिलेगा, मैं आपको कह रहा हूँ उसके स्रोत बताइए कि देखिए आज की जो जी उसके स्रोत बताइए, सोर्स बताइए कहाँ से। हम यही कह रहे हैं, हम लोगों ने कल्पना की है, और मैं जैसे पहले बता रहा था कि हम लोग एक रोड मैप तैयार करने के प्रयास में हैं, हम इस प्रोसेस में हैं, चिदम्बरम साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है और वो जल्द से जल्द आपके सामने पेश करेंगे। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, देखिए प्राथमिकता का सवाल होता है, अगर आप नियत कर लें और अगर आप बोलें कि देखिए हमें कुछ ना कुछ करके इंतज़ाम करना ही है,
तो पैसा है और पैसे का इंतजाम हो जाता है। और मैं एक और बात कहूंगा, देखिए मुझे बड़ा फख्र होता है ये कहते हुए कि यूपीए 2 की जो सरकार थी, यूपीए 1 और यूपीए 2, जैसे गुरदीप सप्पल जी ने शुरुआत में कहा, उस टाइम जो एक ओवरवेलमिंग जो प्रायोरिटी थी, जो एक मकसद था, वो ये था कि गरीबी से हमें लड़ना है। और इस साल नहीं पिछले साल सितंबर 2018 में ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर एक रिपोर्ट छापी और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भारत एक मिसाल है, 2005 से लेकर 15 के बीच 270 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी से निकाला, यानी अपनी आधी से ज्यादा आबादी को निकाला है गरीबी से। कोई देश दुनिया में यह हासिल नहीं कर पाया, ये काबिलियत सिर्फ ये इनाम सिर्फ हिंदुस्तान का है, ठीक है, और ठीक ये बहुत फखर की बात है। मगर पता नहीं क्यों मोदी सरकार को एहसास कमतरी है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उनसे झगड़ा नहीं करते हैं, इससे गुरदीप के पास जाते हैं, झगड़ा मत करिए, वो नहीं करेंगे, वो क्यों कांग्रेस की बड़ाई करेंगे। गुरदीप ये बताइए कि ये न्यूनतम आय योजना जब लागू हो जाएगी तो इससे कई लोग फ्री हो जाएंगे कि वो और जगह नौकरी वगैरह ढूंढ सके, जो बच्चे, जो यूथ हमारा फार्मिंग सेक्टर में फंसा हुआ है, जो वहाँ पे तो कुछ लाभ हो नहीं रहा है, तो उनको जब ये आय मिलेगी तो वो जो दुष्चक्र है गरीबी का उससे बाहर निकलेंगे और नौकरियाँ ढूंढेंगे। अगर उनको संगठित क्षेत्र में नौकरी मिल जाती है तो क्या उनकी बेसिक इनकम जो है, जो मिनिमम बेसिक इनकम है, वो बंद हो जाएगी? इस बारे में कोई डिटेल अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जो एक चीज़ समझने की जरूरत है, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो आइडिया है वो बिल्कुल अलग है। वो ये है कि कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, कंप्यूटर की वजह से नौकरी जा रही है, लेकिन पैसा आ रहा है सरकारों के पास, सिस्टम के पास, तो वो पैसा डायरेक्टली लोगों को दे दिया जाए, काम कंप्यूटर करे, वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं आई, अभी तो बात ये हो रही है कि आपके जो बजट है, बजट में से किसी तरह से पैसा निकाल के उस गरीब वर्ग को दिया जाए, और वो गरीब वर्ग को जब पैसा मिलता है वो फ्री होता है। इसके बारे में भी जो पायलट स्टडीज़ हो रही हैं वो काफ़ी एक मत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा आ गया है तो आप वो टाइम प्रोडक्टिवली ही लगाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इस बारे में दुनिया में कई स्टडीज़ हो रही हैं जो अभी एक मत नहीं है। तो एक नया आइडिया है जिसका वक्त आ गया है, टेक्नोलॉजी ने इसको संभव बना दिया है, तो ये तो देखने की बात होगी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है प्रोफेसर अरुण कुमार, आपने गुरदीप की बात सुनी, तो क्या हम ये मान के चले, इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि सरकारें जो हैं नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही हैं, अब बीजेपी की सरकार ने बहुत सारी नौकरियों का वादा किया था, वो नौकरियां नहीं कर पाई, अब खत्म हो रहा है उनका टर्म, तो वो अब लोगों पे पैसा फेंक रहे हैं कि आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे देते हैं। तो क्या हम ये माने कि कांग्रेस ने भी सोच लिया है कि जब हम आएंगे नौकरियां तो हम पैदा कर नहीं पाएंगे, तो क्यों ना हम न्यूनतम आय योजना का ऐलान कर दें? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। असल में ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया भी दुनिया भर में यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बहुत लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं और उनकी आमदनी नहीं है, तो उससे डिमांड अर्थव्यवस्था में कम हो जाती है। और हमारे देश में तो पता ही है कि सिर्फ 7% लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, 93% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, और वहाँ पे भी अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है क्योंकि वहाँ पे काम नहीं है। और इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे भी देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग शिफ्ट करके संगठित क्षेत्र में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ नौकरियाँ ही नहीं हैं। और जो सरकार नौकरियाँ दे रही है वो तो घट रही हैं, वो बढ़ नहीं रही हैं, और प्राइवेट सेक्टर की जो संगठित क्षेत्र की नौकरियाँ हैं वो भी ज़्यादा रफ्तार से नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ऑटोमेशन बहुत बड़ी रफ्तार से आगे चल रहा है। तो मेरा मानना है कि वो लोग संगठित क्षेत्र में ही रहेंगे और वो संगठित क्षेत्र में निकल के आ नहीं पाएंगे और उनकी आमदनी उस तरह से बढ़ेगी नहीं। लेकिन फायदा उसका यह होगा कि लोगों का जो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव करेगा, अर्थव्यवस्था में डिमांड होगी, और जब डिमांड होगी तो उससे आउटपुट बढ़ना शुरू होगा और उसमें थोड़ी बहुत नौकरियां बढ़ेंगी। लेकिन नौकरियों के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट कहां से बढ़ेगा ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ यूनिवर्सल बेसिक इनकम से पूरा समाधान नहीं होगा अर्थव्यवस्था का। इन्वेस्टमेंट बढ़ाना बहुत जरूरी है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारी अर्थव्यवस्था में कम हो, काफी कम चल रही है पिछले 3-4 साल से, वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगी जब आप न्यूनतम आय सबको देना शुरू कर देंगे। तो इसलिए इसके बहुत मैक्रो इकोनॉमिक परिणाम भी हैं, और जैसे मैंने कहा कि फिस्कल डेफिसिट अगर 1-2% बढ़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज रेज करने के लिए हमारा वेल्थ टैक्स है, समय समाप्त हो रहा है, गिफ्ट टैक्स है। बीजेपी कांग्रेस से भी एक-एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक-एक सवाल कांग्रेस और बीजेपी से पूछना चाहता हूं। स्वदेशी ये बताइए कि इनका कहना है कि आप भले ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दें लेकिन आप नौकरियां पैदा नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि काम देने से पहले आप लोगों को पेंशन देना चाहते हैं, ये बच्चे करेंगे क्या? उनको आप घर बैठे बिठाए पैसे दे रहे, गरीबी खत्म हो गई मान लीजिए, खाना ठीक से खा पाएंगे, कपड़े ठीक से पहन पाएंगे, पर करेंगे क्या?
तो नौकरियां तो आप लोग ला ही नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए नौकरियों की जहाँ तक बात है, नौकरियों की परिभाषा भी आपको अरुण कुमार जी बताएंगे, नौकरियों की परिभाषा और तरीके भी अभी बदल गए हैं। अभी वर्क फ्रॉम होम से लेके जो सरकारी नौकरियाँ संगठित क्षेत्र में होती थी, अभी संगठित क्षेत्र में भी बहुत सारी नौकरियाँ हैं। अभी हमने देखा है कि नौकरी के नए नए तरीके भी मार्केट में निकल के आए हैं, आने वाले समय में परिभाषाएं और बदलेंगी और भी नए नए तरीके की। अगर आप ईपीएफओ का डाटा देखें उसमें ज्यादा ज्यादा लोगों ने अभी प्रोविडेंट फंड के लिए मोहम्मद आप कुछ कहना चाहेंगे मोहम्मद आप कहना चाहेंगे कि क्या इसके साथ साथ न्यूनतम आय के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी ताकि लोग जो है एक प्रोडक्टिव लाइफ लीड कर सके, ताकि कुछ काम पे जा सके, कुछ करें, किसी चीज से एंगेज करें। बिल्कुल, ये तो हो नहीं सकता कि वो घर पे बैठ के अच्छे कपड़े पहनते रहे, खाना ही खाते रहे। देखिए एक बात तो साबित हो गई पिछले 5 साल में कि अगर कोई पार्टी है जिसे सरकार चलाने का अनुभव है वो है कांग्रेस पार्टी। ये लोग इतने खुशनसीब थे, तेल के दाम हो गए थे $30 प्रति बैरल, 30 साल में इतने कम नहीं हुए, इन्हें लाखों करोड़ों रुपए का लाभ हुआ, इनके वर्ल्ड मार्केट ट्रेंड्स इंप्रूव होने लगे। क्या किया इन्होंने? डिमोनेटाइजेशन और GST, जिसके बाद 1.1 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। ये नौकरियों की परिभाषा की बात कर रहे हैं, इनकी सरकार ने तो नौकरियां खत्म की, नई नौकरियां जोड़ना है तो भूल जाइए। चर्चा का समय समाप्त हो गया है, लेकिन ये कहना कि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उसको पावर में आना नहीं चाहिए, ये बात भी ठीक नहीं है। नई नई सरकारें आती हैं, बहुत अच्छा चलाती हैं, नए नेता आते हैं, सीखते हैं। खैर इस बात को छोड़िए, अभी इस चर्चा का समय समाप्त हो गया है, आज बस इतना ही। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।